प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 29 जिलों में सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 2678। राजस्थान में आज 12 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। जयपुर में 5, जोधपुर और धौलपुर में 2-2, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और कोटा में 1-1 पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश में आज 3 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई। जयपुर में 2 और जोधपुर में 1 पॉजिटिव की मौत। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 933 हो चुकी है। जोधपुर में 547, कोटा में 205, अजमेर में 162, टोंक में 134, नागौर की अगर बात करें तो 118, भरतपुर में 111, बांसवाड़ा में 66, झुंझुनू में 42, झालावाड़ में 40, बीकानेर में 37, भीलवाड़ा की अगर बात करें तो 37, जैसलमेर में 35, चित्तौड़गढ़ में 27, दौसा में 21, चूरू में 14, धौलपुर में 14, पाली में 12, हनुमानगढ़ में 11, अलवर में 9, सवाई माधोपुर में 8, उदयपुर में भी 8 और सीकर में 6, डूंगरपुर में भी 6 कोरोना पॉजिटिव, करौली में 3, बाड़मेर और प्रतापगढ़ में 2-2 कोरोना पॉजिटिव, राजसमंद में 2 और बारां में 1 कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान में कोरोना से अब तक 65 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 1116 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं, जो बिल्कुल राहत की खबर है हम सभी के लिए। 714 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। प्रदेश में कोरोना के फिलहाल 1497 एक्टिव केस हैं। देखिए, आज की स्थिति में 10,000 टेस्ट पर डे हम लोग कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमारे डिपार्टमेंट ने डेवलप की है। मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग फैसिलिटी हम डेवलप करें, और उनका जो डायरेक्शन है कि हर जिला मुख्यालय पर टेस्टिंग फैसिलिटी हो, हमारा विभाग इस पर काम कर रहा है और आने वाले समय में हर जिला मुख्यालय पर कोविड की टेस्टिंग फैसिलिटी हम डेवलप कर पाएंगे। जो 2 मार्च को स्थिति थी, हम एक भी टेस्ट करने की स्थिति में नहीं थे। आज 2 मार्च से लेके 2 मई आया, हमने 10,000 टेस्ट राजस्थान में पर डे करने की कैपेसिटी डेवलप की। ये हमारे विभाग के लोगों की मेहनत का नतीजा है और मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति है और उनके निर्देश हैं, उसी के अनुपालन में राजस्थान आज तैयार है कोविड से लड़ने के लिए। जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे, उतने ज़्यादा हम असलियत के बारे में जान पाएंगे। पॉजिटिव केसेस चाहे ज़्यादा हो जाएं, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन हमें असलियत का पता तो चलेगा, ताकि हम समय रहते लोगों को क्वारंटाइन में रख सकें और संक्रमण को फैलने से हम रोक सकें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो, और 1,08,000 से ज़्यादा हम सैंपल ले चुके हैं अब तक। तो राजस्थान चुनिंदा 1-2 राज्यों में है जहाँ टेस्टिंग की बात हो, चाहे सैंपल लेने की बात हो, और पॉजिटिव से नेगेटिव होने का परसेंटेज भी हमारा जबरदस्त है। 1116 लोग हमारे पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं, उनमें से 714 लोगों। जोधपुर से अधिक अपडेट के लिए संवाददाता दयाल सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दयाल, देखिए, जिस प्रकार से आंकड़ा हर जगह बढ़ता जा रहा है, जोधपुर से क्या ताजा अपडेट है और किस प्रकार से नियंत्रण करने की व्यवस्था वहां पर की गई है? देखिए, बताना चाहूंगा कि जोधपुर में कोरोना वायरस काफी हॉटस्पॉट पे फैला हुआ है, जिसके चलते प्रशासन पूर्णतः कर्फ्यू की पालना कराने में लगा हुआ है। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित कल शाम को पुलिस के साथ पतली पतली गलियां, जहां शहरी क्षेत्र में, वहां जाकर मौका मुहैना करके आए थे, जहां देख के आए थे किस तरह से लॉकडाउन से पालन किया जा रहा है, लोगों को जो आपूर्ति हो रही है खाने पीने के सामान की वो किस व्यवस्था से की जा रही है, और साथ ही जो वहाँ वॉलंटियर लगाए गए हैं उनसे भी बात की थी। और उसके बाद आज सुबह भी अधिकारी जो है जगह जगह रूट मार्च निकाल के पुलिस के साथ स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए नजर बनाए हुए हैं। साथ ही बात करें तो आज सवेरे जो SN मेडिकल कॉलेज की जो रिपोर्ट है उसमें 5 नए मरीज आए थे सामने, साथ ही जो एम्स की रिपोर्ट है उसमें 20 नए आए थे। कुल मिलाकर आज की तारीख में 25 पॉजिटिव मरीज सामने आए। साथ ही सुखद खबर यह है कि MDM अस्पताल है, वहां से आज करीब 38 के लगभग जो कोरोना पॉजिटिव आए थे उनको ठीक होने के बाद अभी आज छुट्टी दी जा रही है। जी बिल्कुल दयाल, तमाम अपडेट के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। देखिए, जिस प्रकार से आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं राज्य सरकार की ओर से। हर जिले में स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी व्यवस्था की गई है किस प्रकार से, और साथ ही जो लोग
गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था भी लगातार की जा रही है, क्योंकि चुनौतियां कम होती हुई कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन का तीसरा फेज भी अब शुरू होने वाला है। तो ऐसे में किस प्रकार से पूरी स्थिति को नियंत्रित किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, प्रदेश में कोरोना से अब तक 65 लोगों की मौत हुई है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ते हुए, और ऐसे में तमाम प्रयास राज्य सरकार कर रही है, लगातार जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, क्योंकि तीसरा फेज लॉकडाउन का शुरू होने वाला है। ऐसे में उन लोगों की जरूरत का ख्याल रखना भी यहां पर बेहद जरूरी हो जाता है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ये सुनिश्चित किया है कि जो गरीब तबके के लोग हैं और प्रदेश में कोई भी भूखा ना सोए, सभी का ख्याल रखा जाएगा, सभी की जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री के फैसले का सम्मान करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है कोरोना का।